हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे वी किचन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार। ये वो हरी मिर्च का अचार है जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर छोले भटूरे ऑर्डर करते हैं तो छोले भटूरे के साथ में ये हरी मिर्च का अचार मिलता है, वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो यही टेस्टी हरी मिर्च का अचार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये बहुत जल्दी ही बन जाता है, यानी झटपट आप बनाइए और इसे हाथ के हाथ खा लीजिए। और ये 3 से 4 दिन ही रखकर खा सकते हैं, ज्यादा पुराना अच्छा नहीं लगता है। तो आइए हम देखते हैं कि इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार या रेस्टोरेंट जैसा हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 50 ग्राम यानी 50 ग्राम हरी मिर्च ली है। यह अचार बहुत ज्यादा नहीं बनाते, ये हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा बनाइए और खा लीजिए। और इसे हमने धोकर अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है और उसे बीच से चीरे लगाकर काट लिया। ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च छोड़ रखी है, ये हमने धोकर पोंछ ली और इस तरह से हम इसे बीच से चीरा लगा देंगे, काट देंगे। ये इस तरह से हम अपनी सारी मिर्च को बीच से 2 भागों में काट लिए हैं। फिर हमें यहाँ पर कुछ मसाले चाहिए। हमने यहाँ पे लिया 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून मंगरेल यानी काला जीरा या प्याज का बीज, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून मोटी वाली सौंफ, जो मसाले वाली होती वो सौंफ। और इनको हमने चारों को भूनकर इस तरह से एक पाउडर तैयार कर लिया मिक्सी में पीसकर। फिर हमने यहाँ पर लिया 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, असली मिर्च का टेस्ट इसी चाट मसाले को डालने से आएगा, नमक स्वाद के अनुसार, 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और 1 नींबू का रस। और अब हम सबसे पहले ये मिर्च लेंगे और मिर्च में ये सारे पीसे हुए मसाले डाल देंगे। ये हींग, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला, सरसों का तेल और 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबल स्पून ये जो मसाला हमने भूनकर पीसा था हम वो डाल देंगे। 1 नींबू का रस डाल देंगे और इसे खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और फिर ये खाने के लिए हरी मिर्च का अचार तैयार है। और ये जो मसाला बचा हमारा, हम इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लेंगे और इसे जब फिर दोबारा अचार बनाएंगे तो हम यूज कर लेंगे। तो ये लीजिए, तो हरी मिर्च का अचार तैयार है। और इस बार आप छोले भटूरे बनाइए तो आप घर पर ही ये हरी मिर्च का अचार झटपट सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है, जरूर बनाइएगा, जिससे आपके छोले भटूरे का टेस्ट 2 गुना और बढ़ जाएगा। और आप इसे खाने के साथ में भी खा सकते हैं या पराठे के साथ में खा सकते हैं। और आप इसे 4 से 5 दिन तक रखकर बड़े आराम से खा सकते हैं। 4-5 दिन बाद फिर आप दूसरा बना लीजिए और ये बहुत जल्दी ही 2 मिनट में बन जाता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।